हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इसका आंसर होता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अक्सर ये पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, बचपन से शायद ही पढ़ते आए होगे, क्लास 2nd 3rd से ही पढ़ते आए होगे कि उगते हुए सूरज किसे कहा जाता है। ये पता है आपको, जापान। लेकिन जापान के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कि जापान एशिया का महाद्वीप है, एशिया का महाद्वीप है, और ये स्थित देश है जो 4 बड़े और छोटे द्वीपों का एक समूह बनता है। और ये द्वीप एशिया और पूर्व समुद्री तट प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके सबसे नजदीक जो देश है वो कोरिया, चीन, रूस, ठीक है, ये उनके जापान के सबसे नजदीक देश है, ठीक है। और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे रुझान जी हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल गया फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये आप सभी को पता होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो, शिष्य की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी को ये पता होगा बहुत ही अच्छे से। लेकिन भोपाल के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। भोपाल भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि झीलों का नगर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, भोपाल को झीलों का नगरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल, केरल ऐसा राज्य है जहां पे मलयालम भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और ये हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा भी ईसाई भी यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में रहते हैं केरल में। और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि केरल जो हमारा राज्य है वो भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और पर्वत श्रृंखला के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है जिसे हम केरल के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे आते हैं। ध्यान किसने बनाया था। नेक चंद्र जी ने ध्यान बनाया था। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। तवी नदी के किनारे जम्मू स्थित है। आइए जम्मू के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स कि जम्मू की क्या कंडीशन है। जम्मू शहर क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है और ये साथ ही भारत के उत्तरम राज्य जम्मू एवं कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है, जो नगर महापालिका वाला शहर तवी नदी के तट पर बसा होता है और पुराने और नए मंदिरों का कारण इसे मंदिरों का भी शहर कहा जाता है। जम्मू एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और इसलिए इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। जैसा कि झीलों का शहर हम किसे कहते हैं फ्रेंड्स, अभी आगे आपको बताया था भोपाल को, है ना, उसी तरीके से मंदिरों का शहर जम्मू को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को बहुत नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। तो इसका आंसर है कबूल। कबूल अफगानिस्तान की राजधानी है और अफगानिस्तान की सीमा 6 देशों से मिलती है, जो ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ का जो मुद्रा है अफगानिस्तान का वो अफगानी है
और अफगानी मतलब यहाँ के लोगों को हम अफगान के नाम से जानते हैं या अफगान उसे हम कहते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? जापान की राजधानी फ्रेंड्स टोकिया, टोकिया जापान की राजधानी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में सूची पिरामिड पाए जाते हैं? मिस्र, मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये आप सभी कक्षा 1 से पढ़ते आओगे पक्का है फ्रेंड्स, ऊंट को। लेकिन ऊंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए ऊंट कैमुलस जीनस के अंतर्गत आने वाला एक खुरधारी जीव होता है जो अरबी ऊंट के एक कुबड़, जबकि बैक्ट्रियान ऊंट के 2 कुबड़ होते हैं। और अरबी ऊंट पश्चिमी एशिया के सूखे रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है और बैक्ट्रियान ऊंट जो मध्य और पूर्व एशिया के मूल निवासी होते हैं, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? 1869 में, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। जो हमारे रेल पथ की मीटर की गेज की लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब चौड़ाई होती है, वो 1 मीटर लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा देश को कहा जाता है? एशिया। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, कुछ चर्चा करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? रूस। रूस मास्को में अमीर लोगों ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। और रूस में गंदी कारें चलाना भी अपराध है और साथ में रूस में लोमड़ियों को भी घर में रखना पड़ता है, ये वहां का कुछ रूल्स है। ठीक है तो इस तरीके से मैं आपको 10-12 क्वेश्चन बताई हूँ फ्रेंड्स, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पता होगा अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन वीडियो बनाने का मेरा ये मस्तिष्क है कि आप अगर एक चीज को दोबारा देख लेंगे तो आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, पेपर करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के सारे क्वेश्चन ज़्यादातर आते होंगे। तो फ्रेंड्स फिर भी अगर 12 क्वेश्चन आपको बताया है और 12 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसमें से आपके कुल टोटल 20 या 25 क्वेश्चन बने होंगे। उन 25 क्वेश्चन में से अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप मतलब बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हो। ठीक है तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।